Hello and you're watching Claptrap. We are back again. Today we are going to talk about wooden flooring. Whatever little I've learned, I'm going to share this with you. I hope it's going to be useful for you as well. If you like our content, you can always subscribe to the channel and also press the bell icon. That's the way you can support us. आज फ्लोरिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है मार्बल, और मार्बल बहुत ज़्यादा लग्जरी ऐड करता है. इस अगेन अ नेचुरल सोर्स और नेचुरल कंपोनेंट है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लग्जरी ऐड करता है, स्पेशली उन घरों में जिनमें कि हम हाई ग्लॉस बनाना चाहते हैं, वहाँ पर मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मार्बल की अलग अलग वेराइटी हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग तरीके के मार्बल्स आज आपके पास मिल जाते हैं. मार्बल की लिमिटेशंस यह है कि मार्बल को रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस चाहिए. पोरस टेंडेंसी होने की वजह से आपको मार्बल को बार बार ध्यान रखना पड़ता है. स्टेनलेस है, स्टेन प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है. जनरली ये बाय टेम्परामेंट अगर देखें तो थोड़े कोल्ड रहते हैं, लेकिन लुक वाइज मार्बल बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट करते हैं आपके घर में. सो लॉट ऑफ पीपल प्रेफर मार्बल व्हेन दे वांट टू ऐड लॉट ऑफ लग्जरी. मार्बल के अंदर लिमिटेशन एक और ये है कि उनके आने वाले टेक्सचर्स एंड डिज़ाइंस ये हैं. टाइल्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट फ्लोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपका वॉकिंग बहुत होता है, तो अच्छी क्वालिटी के अगर टाइल नहीं है, फुल बॉडी टाइल्स, तो धीमे धीमे वो वेयर आउट हो जाते हैं. माई फेवरेट इज़ वुडन फ्लोरिंग. आई लाइक वुडन फ्लोरिंग बिकॉज अ वुडन फ्लोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड नेचुरल मटीरियल दैट यू कैन ब्रिंग इन टू योर होम. वुडन फ्लोरिंग इज़ अवेलेबल इन अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, a wide range area of varieties, and thanks to innovators, thanks to innovations by engineers or by the people who are creating engineered wood, you can enjoy all quality of this beautiful material in every room of your house. It is hard wearing, easy to clean, and also they can transform your house immediately into a different shape altogether. Wooden flooring ke jo khas baatein hain wo ye hain ki they are quick, ईजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, बहुत फटाफट इंस्टॉलेशन है इनका. दे एड लॉट ऑफ वार्म्थ अनलेस यू प्रिपेयर टू पे फॉर अंडर रूफिंग हीटिंग सिस्टम. सेरामिक टाइल्स आर कोल्ड ऑन द फीट. वुडन टाइल्स ऑन द अदर हैंड दे मेंटेन लॉट ऑफ एम्बियंस टेम्परेचर, दे आर वार्म. अब बात करेंगे जो कलर पॉपुलर हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर है वॉलनट कलर. वॉलनट कलर के बाद में जो दूसरा कलर पॉपुलर है वो है वॉलनट मेपल. ये थोड़ा लाइटर टोन में है. जब भी आप कलर टोन डिसाइड करें तो याद रखें कि अगर डार्क एरिया है तो लाइटर कलर के फ्लोरिंग लें. जैसे बीच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. इन द लास्ट वन, फोर्थ वन इज़ द ब्रिज वन. दिस इज़ वन इज़ ऑल्सो लिटल ऑन द डार्कर साइड, बट इट एड्स लॉट ऑफ एलिमेंट एंड वैल्यू. इसके बाद इसके हम टेक्सचर की भी बात करेंगे. जैसे फुल सॉ है, इसमें काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं, आप स्क्रीन पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं. पार्शल सॉ मार्क्स जिनमें होते हैं, इनमें थोड़ा मोटू बस रस्टिक एंड डिस्ट्रेस फिनिश में होते हैं, ये अच्छे दिखाई देते हैं. जितने टेक्सचर्स चलते जाते हैं, जैसे कि एंटीक ब्रश्ड है, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है. आप किसी भी तरह के थीम को फॉलो कर रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग विल नेवर डिसअपॉइंट यू. डीप ब्रश में बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट बना रहे हैं या लग्जरी विलास बना रहे हैं तो बेडरूम में आई बिलीव दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स दे लुक वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द लिस्ट ऑफ वुडन फ्लोरिंग अवेलेबल. सम ऑफ देम आर इंजीनियर्ड, सम ऑफ देम आर रियल, बट देर आर फ्यू बेसिक थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. जब भी आप वुडन फ्लोरिंग चूज़ करते हैं तो इसमें अलग अलग कलर्स हैं जो हमने आपको बताए, टेक्स्चर्स हैं जो हमने आपको बता दिए आपको पहले से. इसके अलावा इनके साइजेस भी होते हैं जो कि प्लैंक्स फॉर्म में होते हैं, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं. हर कंपनी के अलग अलग साइज अवेलेबल हैं. इनके इंस्टॉलेशन में भी कई सारी क्रिएटिविटी होती है. आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. जैसे प्लैंक्स हैं वो चेक के पैटर्न में लोग लगाते हैं, अनइवन आगे पीछे करके, और इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ में वो आराम से एक दूसरे में इंस्टॉल भी हो जाते हैं. इसके अलावा एक और फेमस पैटर्न है, उसको बोलते हैं शेवरन पैटर्न, जिसमें दो प्लैंक्स को काट के वी शेप में बनाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. शेवरन पैटर्न का ब्यूटी ये होती है कि वो एक पॉइंटेड डायरेक्शन की तरफ आपको लीड करते हैं. सबकॉन्शियसली वो फ्लोर आपको उस तरफ लीड करता है. इसके अलावा हैरिंग बोन इज़ अनदर पैटर्न जो काफ़ी पॉपुलर है. हैरिंग बोन पैटर्न यूरोपियन पैटर्न्स में बहुत अच्छा दिखाई देता है. लेकिन सबसे सेफ, सबसे सिक्योर्ड अगर आप चाहते हैं तो वही है, बड़े साइज़ के टाइल्स लें और उनको लगा लें. टर्माइट प्रूफ इंटरलॉकिंग सिस्टम, फास्ट, ईजी टू इंस्टॉल, दे एट लॉट ऑफ वैल्यू.
वुडन फ्लोरिंग को लेके काफ़ी सारे अप्रिहेंशंस भी हैं. लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि उसके अंदर टर्माइट आ जाता है, उसके बाद दीमक है, फिर मॉइस्चर या डैम्पनेस से वो ख़राब हो जाता है. किन एरियाज़ में जब जब आप इंस्टॉल करा रहे हैं वुडन फ्लोरिंग को, तो वुडन टाइल्स को, तो आप चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने एरिया को चेक करा लें. अगर वो डैम्पनेस है या मॉइस्चर है तो वहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद में उसको इंस्टॉल कराएं. वुडन फ्लोरिंग क्योंकि ईजी टू मेंटेन है, रेगुलर बेसिस पे उनको क्लीन करिए, वो साफ़ हो जाएंगे. बहुत पॉलिश को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बट देर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ पॉलिश. एक होता है लेकर्ड पॉलिश, एक होता है ऑयल बेस्ड, एंड दे आर सब्सटेंशली वे मोर ईजियर टू मेंटेन कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस. ऑफकोर्स टाइल्स आर ईजी. टाइल्स के कंपेरिजन में अगर वुडन फ्लोरिंग को देखें तो टाइल्स लाइटर वेट होते हैं कम्पेयर टू मार्बल, इसीलिए हाई राइज बिल्डिंग्स में सेरेमिक टाइल्स ज़्यादा पॉपुलर हैं. अगर आप टाइल्स चूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लार्ज साइज टाइल्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे. बट टाइल्स को एडहेसिव से पेस्ट करने के बावजूद भी उसके अंदर अगर एयर गैप रह जाता है तो दे क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मीन टाइम आई एम गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन, यू कैन एन्जॉय. दिस इज़ द कैटलॉग बाय वेलस्पन, आई हैव सीन इट एट वन प्लेस. यू कैन यूज़ दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर थीम्स, बट रिमेंबर फॉर इफ़ यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर फर्नीचर एंड यूज़ द ऑपोजिट कलर. योर फर्नीचर कलर इज अलाउड, देन गो फॉर द लाइटर टोन्स ऑफ टाइल्स और वुडन टाइल्स. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक ए मोनोक्रोमेटिक स्कीम, देन यू कैन फॉलो द सेम कलर टोन बींग कैरिड फॉरवर्ड राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर फर्नीचर टू द वॉल्स. इन केस यू हैव अ वेरी डार्क रूम विद देयर इज सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ लाइट इन योर स्पेस, अगर वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा रहता है, आर्किटेक्चरल फॉल्ट्स हैं या विंडो नहीं है, आर्किटेक्ट्स की कोई गलती है, तो आप वहाँ पे लाइट टोन के वुडन फ्लोरिंग ट्राई करें, अच्छे दिखाई देते हैं. आई लाइक देम बिकॉज दे एट लॉट ऑफ वॉर्म्थ, दे आर लॉट ऑफ टेक्सचर्स आर अवेलेबल, दे लुक वेरी क्लासी एंड यूरोपियन. दे कैन बी एडेड इन एनी काइंड ऑफ थीम, बी इट यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन और मे बी जैपनी और इंडियन. यू कैन एड एनी वेयर, स्पेशली जो बेडरूम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा सब्सटेंस है ये, आप ट्राई कर सकते हैं. इसमें इंजीनियर्ड भी है और रियल वुड भी है. इस तरह से आप इस कोई भी कलर्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. ये कैटलॉग इज़ ऑलमोस्ट 6 months ओल्ड. आई एम श्योर वेल्सपन मस्ट हैव एडेड मोर कलर्स टू इट. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन ऑलवेज लॉग इन. दैट्स द वे इट वर्क्स. आई एम लीविंग यू विद दिस विजुअल्स. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. और आपको और बाकी रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कलर ऑप्शंस कैसे चूज़ करना है, इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई एम गोइंग टू राइट अबाउट इट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. इन्जॉय.